फ्रेंड्स, मेरी क्रिसमस आपको बहुत बहुत मेरी क्रिसमस। आज का दिन आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप इस दिन को बहुत एंजॉय करें, ये हमारी ऐसी विश है आपके लिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस डे को एंजॉय भी करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या होता है। तो ये इस चीज की नॉलेज आज के टाइम पे बहुत ही कम लोगों को है, तो आज हम आपको इसी चीज को शेयर करेंगे आपके साथ। 25 दिसंबर जो है उस दिन को जीसस क्रिस्ट का बर्थडे होता है, और इसकी ईव जो है 24th ऑफ इवनिंग से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे कि जीसस क्रिस्ट है नाम उनका, क्रिसमस का नाम भी क्रिस्ट से ही बना है। इस दिन लोगों को बहुत खुशी होती है कि जीसस का बर्थडे है, बट जो बाइबल है उसमें क्लियरली ये नहीं कहा है कि 25 दिसंबर को ही जीसस का बर्थडे होता है, और इस पे कई बार मतलब के डिबेट्स भी हुई हैं, पर फिर भी इसी दिन को ही जीसस का बर्थडे मनाया जाता है और उसको क्रिसमस कहा जाता है। इस दिन बहुत सारे ये इसका मतलब कि जो है सबसे ज्यादा क्रेज जो है वो सिर्फ बच्चों में होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको ये होता है कि सेंटा क्लॉज आएगा और हमें गिफ्ट्स लेकर जाएगा। जैसे बच्चों में सेंटा क्लॉज को बहुत ज्यादा माना जाता है, और उनको सेंटा क्लॉज के पीछे जो स्टोरी है उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। और सेंटा क्लॉज का जो असली नाम है वो है सेंटा निकोलस। इनका जो जन्म है ईसा मसीह के 280 साल बाद में हुआ था, और ये यीशु को अपना जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया था, और इनको जो है लोगों की मदद करने का बहुत ज्यादा शौक था। ये हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे, और ये यीशु के जन्म दिन वाले दिन ही लोगों को रात के अंधेरे में गिफ्ट्स देकर आते थे, इसीलिए इनका नाम सेंटा क्लॉज रखा गया है। और ये क्रिसमस डे वाले दिन सभी को गिफ्ट स्प्रेड करते थे, इसीलिए ही आज के टाइम में भी यही प्रथा चलती आ रही है कि सेंटा क्लॉज रात को आएगा और बच्चों को गिफ्ट्स देकर जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो सेंटा क्लॉज के पीछे थी। और हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं COVID-19 चल रहा है, और COVID-19 के चलते क्रिसमस भी आ गया, और इस बार जो क्रिसमस है वो किस तरह से मन रहा होगा, चर्च में लोग जा रहे होंगे, किस तरह से जा रहे होंगे, वो अपनी सेफ्टी रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। जैसे कि आप लोग अगर चर्च जाते हैं तो प्लीज अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाकर रखें, और अपना मास्क जरूर लगा कर रखें। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिसमस डे पे बहुत सारी पार्टीज होती थी और लोग इस चीज को सेलिब्रेट करते थे, और बड़ी बड़ी पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करी जाती थी, पर हाँ, आज COVID-19 के चलते ऐसी पार्टी तो ऑर्गेनाइज नहीं की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इस पार्टीज को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। पर हम इस डे को फिर भी स्पेशल बना सकते हैं, पार्टी से ही डे स्पेशल नहीं बनता है, बल्कि हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डे को स्पेंड करके एक अच्छे से मोमेंट्स क्रिएट करके हम उस डे को मेमोरेबल बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपके हाथ में है, किस तरह से आपने अपने डे को स्पेंड करना है और किस तरह से आपने डे को एंजॉय करना है। विश यू अ मैरी हैप्पी क्रिसमस, तो एंजॉय योर डे।